शुक्रवार को हुई मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक के बाद एक फैसला लिया गया, जिस फैसले का असर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से शहर सटई पर पड़ा। ये सटई शहर मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से काफी खुश है। हम बात कर रहे हैं छतरपुर के सटई कस्बे की। सटई शहर अब तहसील के तौर पर जाना जाएगा। बिजावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बबलू शुक्ला के द्वारा विगत वर्ष जब मौनिया महोत्सव का आयोजन किया गया था, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे थे और उन्होंने तब सटई को तहसील देने का ऐलान किया था। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सटई को तहसील का दर्जा मिला। इसकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के अंदर आज छतरपुर में नवीन तहसील सटई के सृजन को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी है और इसके लिए सत्ता पद भी आज ही स्वीकृत कैबिनेट के द्वारा किए गए हैं। इसमें 75 जो है बिजावर तहसील में 44 पटवारी हलके तथा राजनगर तहसील में 75 पटवारी हलके अब शेष बचेंगे, बाकी के 31 हलके इसमें समाविष्ट किए गए हैं। सटई को तहसील बनाए जाने से संपूर्ण क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस खुशी के मौके पर विधायक राजेश शुक्ला ने भी क्षेत्रवासियों को बधाई दी। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान एवं मध्य प्रदेश की कैबिनेट का मैं आभारी हूं कि आज बिजावर विधानसभा को एक बहुत बड़ी सौगात आज कैबिनेट द्वारा दी गई है। बिजावर विधानसभा के सटई नगर पंचायत को सटई तहसील बनाया गया है आज, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बिजावर मौनिया महोत्सव की घोषणा थी। मैं हृदय से उनका आभारी हूँ कि आज वो घोषणा पूरी हुई। क्षेत्र की जनता और सटई की बहुत बड़ी मांग थी जो आज पूरी हुई है। उस तहसील में जुड़ने वाले 31 हलका के लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि तहसील सटई होने के कारण आपको जो असुविधा थी वो सुविधाएँ अब आपको मिलेंगी, क्योंकि STM कोर्ट बिजावर होगी। हम भी आपके साथ शामिल होंगे आपके सहयोग को काम कराने में। इसमें 17 पद भी आज ही स्वीकृत कर लिए गए हैं और शीघ्र मुझे लगता है कि 2-4 दिन के अंदर सटई के अंदर तहसील चालू हो जाएगी। विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि सटई क्षेत्र के लोगों को अभी तक तहसील संबंधी कार्यों के लिए या तो बिजावर आना होता था या फिर राजनगर जाना पड़ता था। ऐसे में अब दोनों तहसीलों में परेशान हो रहे लोगों को अपनी ही सटई तहसील में काम कराने में सुविधा होगी। इस तहसील में 31 पटवारी हलकों को शामिल किया गया है, जिसमें दर्जनों गांव शामिल है। 64 गांव के लोगों को इस निर्णय से काफी फायदा मिलेगा।